सभी के बैठे राम को प्रणाम करते हैं। तो जरूर थोड़ा सा अंश आ जाता है जहां। तो अब थोड़ा बहुत राम के बारे में चर्चा चल रही है, तो राजा होके अगर वनवास 14 साल काट सकते हैं तो आप 5 मिनट गर्मी में बैठ सकते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? उससे बढ़िया बात नहीं अपनी, तो उतना तो झेल सकते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? उनसे बड़े नहीं है। बाकी हमसे कई लोग बोले कि सर अगला प्रोडक्ट कौन सा है। एक व्यक्ति हमको अभी बोला सर संविधान आएगा का? हमने कहा चलेगा कि नहीं चलेगा? आ जाएगा वो भी, हम खुद ले आएंगे, चिंता मत करिए। तो आपने नेटवर्किंग नहीं किया, अब फेल है। क्या है? फेल है। साफ साफ में इतना फेल है। अगर ये दिन नहीं ला पाए तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो लोग बढ़ गए, और कौन बढ़े? अपने ही लोग बढ़े, हाँ या ना? अपने ही लोग बढ़े, कोई और नहीं बढ़े। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। आज हम भी वनवास कर लेते हैं 2 घंटे के लिए। कितने लोग 3 घंटे के लिए वनवास के लिए तैयार हैं? बैठे हैं सोफा पे और वनवास पे। एक दिन पूरी सभी थोड़ा लेट मिला तो खपड़िया टनक टनक गया। हम भी आपके साथ हैं, 2 दिन से सोए नहीं है। अगर आपको पानी नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिला है, एक बार ध्यान रखिएगा। हमको भी नहीं मिला, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजर हैं, हम नहीं बोल सकते। यही वाला भाव जिस दिन आ जाएगा, इस देश का सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। भाव लाना जरूरी है, और ये भाव बड़े नसीब से आता है, बड़े सात्विकता से आता है, बड़ी परमात्मा की कृपा से आता है। एटीट्यूड, इसी को बोलते हैं विनर एटीट्यूड। यही वॉलंटियर है, यही और तो बिजनेस में सब वॉलंटियर है। हमारे बड़े बड़े सीनियर मरकरी लीडर पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए पूरा जान डाल दिया है। हम उन जानते हैं उनकी मेहनत को, वो यहां बैठे हुए बेचारे। हंसिए नहीं, मैं उनकी मेहनत की बात कर रहा हूं, उसके बावजूद जोश है। और 1 साल बाद 2 साल बाद इस देश में आप देखिएगा वो लीडर कहां पे होंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये आगाज है मात्र। आज पहला दिन है। ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सिस्टम से लेकर हर चीज उस लेवल पे जाएगा जो आज तक नहीं हुआ है। अभी वो काम होना बाकी है, और हमें चाहेंगे कि आप भी इसी कश्ती में उसी माइंडसेट के साथ आप भी तैयार हो जाइए, आपका भी स्वागत है। क्योंकि जो भी कुछ किया जा रहा है वो आप सभी के लिए ही किया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं किया जा रहा है। तो आज अभी हमारा वक्त है कुछ जानने का, कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। क्योंकि ठीक है, हमने खाना नहीं मिला, खाना शाम को मिल जाएगा। हमारे 500 रुपए गए, 500 फिर आ जाएंगे, लेकिन आज का जो कीमती समय है वो दोबारा नहीं आएगा, हाँ या ना? तो मैं चाहूंगा इसको तो न गवाएं। तो अभी जो अपने हाथ में है, जहां है, जैसे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, अब वहां से उस समय को हम सदुपयोग कर लें। कुछ तो आज इतना देखिए, बिजनेसमैन हमेशा फायदे में रहता है, बिजनेसमैन हमेशा फायदे में रहता है। तो आपको आज ये दिखाना है एक सच्चे बिजनेसमैन की तरह कि मैं अगर आया हूं तो ऐसी परिस्थिति में मैं कौन सा फायदा लेके मैं जाने वाला हूं, वो असली बिजनेसमैन। और घाटा हो गया तो कहीं को बिजनेसमैन हो। तो आपको ये देखना है कि आज मैं कौन ऐसी अनमोल चीज लेके जाने वाला हूं, या ऐसी चीज लेके जाने वाला हूं उसके दम पे मैं बहुत बड़ा एम्पायर बनाने वाला हूं। वो कौन सी चीज है? वो आपके अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा, वो मेरे बताने पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कुछ चीजों को हमने लिया है, बातचीत करते हैं। हाउ टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो उससे मैंने कोई बात आगे बताऊं, मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं, और वो परिचय है जो समाज ने दिया है। असली में मैं कौन हूं मैं पहले ही बता चुका हूं, और आप भी कौन है, हाँ या ना? और मेरी बात नहीं है, उस देश की मिट्टी कहती है। हेलो, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे हैं। तो
तो जो एक सामाजिक परिचय है कि मेरा नाम परशुराम रखा गया, हेलो, और गोरखपुर का रहने वाला हूँ, पैसे से गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक गरीब परिवार से था और सरकारी नौकरी की बड़ी वैल्यू है, बड़ी इज्जत है, बड़ी मान सम्मान है, बड़ी सिक्योरिटी है। हमारे परिवार में भी कल्चर था, हमने कहा भी एक ले लेते हैं। तो जैसे 18 साल के हुए, उस समय जितना पढ़े लिखे थे, दिमाग बुद्धि जानी में सोचे क्या ताव रहता होगा, बोले ना आप लोग, यस, बहुत ताकत होती है, वर्दी में ही बहुत ताकत होती है, कितना स्टार हो छोड़िए आप, बोल के नहीं रहे आप लोग, यस, हवाई जहाज में एक आदमी रोक देता है सड़क पे, रुकिए, इतना पावर होता है। तो बड़ा अच्छा लगा, मऊ जाके जिंदगी, सैलरी छोड़ो मजा बहुत दमदार है, जहां जाता हूँ सिंह उठा के चलता हूँ, इंडिया उठा के चलता हूँ, मजा लिए 4-5 साल। घर में 4 भाई 4 बहन, लंबा परिवार, खेती, एक धूल नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बुरी तरीके सपना अपना, ये क्या होता आदमी, स्पीच वगैरह क्या होता कुछ नहीं पता बिल्कुल, बस खाते पीते की तरह, वो भी खाना पीना भी टाइम टू टाइम, सब आपको स्टोरी मालूम हो, बार बार का दोहराना रामायण की तरह, हेलो। ऐसे परिवार से निकले, नौकरी अपना कर रहे थे, इसी बीच में इस सेठ साहब वाले घुस गए, इस सबके जीवन में घुसते हैं और एक भोजपुरी गाना भी बाप ने रजौर छोड़ा हुआ हमारे पीछे आवा, पता नहीं कैसी है, एक दिन सुनूं तो ये कौन सा गाना है, पहले हिंदी माया कि पता नहीं क्या किसी और के बहाने क्या आ जाए, इस टाइप से गाना है, फिर एक और आ गया, आवाज नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, चले ठीक है, तो ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा, मतलब अब गायक टाइप से, हेलो चेक माई टेस्टिंग, नहीं तड़ी अब रख देते इसको, चलिए तो ऐसे ही सेब साफ वाले बीच में आ गए, अपना नौकरी चल रहा था, ये करो, हमको ये क्या है, बोले ये करो और कमाई होगा, हमको कितना, बोले देखो तो बताया अपना कि ऐसे ऐसे करना है, ये सामान लेना है, ऐसे ऐसे करोगे इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, इनको मिला, उनको मिला, हमको चाहिए तो थी, आप भी अगर कुछ करते हैं आपको थोड़ा और मिले चलेगा कि नहीं, एक प्लाट है, एक प्लाट और मिल जाए चलेगा कि नहीं, बोले हैं आप लोग, एक शर्ट एक और मिल जाए तो, एक घर और मिल जाए तो, और एक लड़का लड़की और हो जाए तो, अच्छा ठीक है, ज्यादा बढ़ गए, मतलब कुल मिला जुला के कहीं कहीं चाहिए और कहीं कहीं, लेकिन धन तो चाहिए। तो उसने कहा ये और मिले तो, हम मिले तो ले लेंगे, करना क्या पड़ेगा, कहा इसी जो आज के जमा अभी इस समय ये आया है रामायण, उसने कहा है, उस जमाने में जो प्रोडक्ट है खरीद लो, पैसा दो ले लो, अच्छा लगे तो लेना, न लगे 30 दिन में वापस ले लो, 29वें दिन दे दूंगा वापस, नहीं होगा तो ले लिए, वापस करने की नौबत नहीं आई। तो अगर आप भी बिजनेस में आए, आप भी तथा आपके कोई जान पहचान का आपसे कोई सामान ले लिया बिजनेस में आ जाए, अच्छा न लगे 30 दिन में वापस हो जाए, तो क्या कोई लाइबिलिटी है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं, तो इससे साफ सुथरा काम क्या हो सकता है, कोई इससे साफ सुथरा कुछ काम हो ही नहीं सकता, कोई लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी फ्री, हम भी कंपनी भी, हमने कहा इस काम को मैं कर लेता हूं, नौकरी कोई दिक्कत आने वाला है नहीं, कर दी, हम लोगों को बताए, एक को बताए, दो को बताए, तीन को बताए, आप भी बता ही रहे, बोल के जो आप लोग, कोई हाँ बोलता कोई ना बोलता है, कोई हाँ ना नहीं बोलता है, उल्टा बोलता है, हेलो कोई कोई दौड़ाता 6 महीना, करेगा कभी नहीं, परसों नरसो, ऐसा भी एक विभाग है, बोल के नहीं आप लोग, हम भी उससे पीड़ित है। ऐसे करते गए, 9 महीना में थोड़े लोग बने, 2 साल में कुछ लोग बने, 3 साल में कुछ लोग बने, 4 साल में, 5वें में 6वें में 7वें 8वें 9वें 14 15 साल हो गया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, बहुत बड़ा, ये कुछ नहीं हाल में नहीं है, वो लोग तो बन गया, जिससे भी आए थे, आवाज मत करिए सर, सर 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 आवाज मत करिए सर, लेट जाओ उसी पे, लेट जाओ, गर्दा उड़ा देंगे तुम्हारा आज, चुप, तो अरे रुको,
तो एक सिपाही थे और बिजनेस मिल गया और सिपाही को अपना काम करते हुए 50-60 हजार मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत नहीं, इतना बढ़िया कि बोल ही नहीं पा रहे हम। आज नहीं, आज से 15 साल पहले बहुत बैलू था, धीरे धीरे मन ही में रम गया और इसी में रम गए और बहुत कुछ हुआ, भगवान कृपा से पैसा मिला, जो भी चीजें हैं, पैसा धन दौलत विदेश यात्रा गाड़ी घोड़ा बंगला सब जो जो चाहिए सब मिला। सबसे बड़ा जो चीज मिला दो मिला, ये तो बता दू, पूछिए पूछिए। सबसे बड़ा दौलत ये मिला कि आप जैसे महान सम्मानित पढ़े लिखे लोगों का प्यार मिला, इसकी कीमत अरबों खरबों रुपए है। हमसे कई गुना ज्यादा पैसा लखनऊ के बहुत सारे बाजार वाले कमाते हैं, हेलो ठेकेदार भी कमाते, कई सारे सब्जी मंडी वाले भी लोग हमसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मिल जाएगा, लेकिन ये प्यार कमाने वाले लोग कम मिलेंगे। और ये कहां कहां से लोग आए हैं, भारत का नक्शा लेके मारिए, एक ढेला जहां ढेला गिरो वहां का आदमी साल में मौजूद है। आज हमारा भाई इसी टाइप का व्याख्यान रहता है, उसका जहां गिरो वहां टीम है हमारा। तो ये सबसे बड़ी कमाई मिली, इससे बड़ी वाली कमाई बताएं आपको? पूछिए पूछिए। इससे बड़ी वाली कमाई है, इस बिजनेस में आने के बाद मुझे यह पता चला कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने से क्या होता है। असली एडमिशन तो मेरा इस बिजनेस में हुआ तब मैं ये जान पाया कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात हुआ इस बिजनेस में तथा बिजनेस के ही जरिए बाहर के लोगों से, और आज उन लोगों के चरणों में मैं बैठा हूं जो इस धरती के कभी न कभी पहले विद्वान रहे हैं या आज जो विद्वान हैं। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला इस बिजनेस के जरिए। और जब आप, क्योंकि आदमी है और जानवर है और पेड़ पौधे हैं, तो मैं आदमी और जानवरों की अगर बात करें तो जानवर एक पशुता, जो जानवर है वो एक फिक्स है, अगर वो शरीर है तो शरीर की पूर्ति के लिए वो जीता है, हाँ या ना? Yes. किसी भी जानवर की कोई फिलॉसफी नहीं होती है, वो एक नेचर है, एक प्रकृति है, वो प्रकृति के स्वरूप खाएगा पिएगा जो भी प्रजनन अपना करेगा। लेकिन हर एक आदमी इंसान अगर है, होमो सेपियंस अगर है, तो वो उसका जीवन जीने का अपना एक फिलॉसफी होता है, एक विचार होता है, हाँ या ना? Yes. कितना भी निम्न कोटि का विचार हो, हर आदमी व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाता है दो शब्द, वो उसके विचार है अपने, वो फिलासफर है। तो हमारा जो जीवन जीने का जो केंद्र होता है इंसान का, उसमें एक फिलॉसफी होती है, हाँ या ना? Yes. और वो अगर ऊंचे लेवल का हो, वो शब्द की तरफ मिल जाए ऐसा संगत, तो जीवन माना जाएगा कि अच्छा है। इस बिजनेस से दूसरा सबसे फायदा मुझे ये मिला, बाकी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मटेरियलिस्टिक और लग्जरी जीवन की, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें अपने पास है। तो बधाई हो आप सभी को, ऐसा चीज मिलने वाला है। और ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस परिचय, इस बिजनेस का परिचय है। अब आइए हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो आप लोगों से दो तीन मेरा सवाल है, क्या आप लोग भी एक सफल बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं आप सभी लोग? Yes. पक्का? Yes. तो उसके लिए क्या क्या करना होगा उस चीज को जानते हैं, तो देखते हैं। कुछ टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, टॉप क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्किंग बिजनेसमैन, ये कुछ चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। एबिलिटी टू बी इंस्पायरेशन एंड द आइडियल फॉर द टीम, एक लीडरशिप पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस है, टीम है, तो लीडरशिप जरूर इस्तेमाल होगा। हेलो, अगर लीडरशिप नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे या टीम वाला काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि एक मोटिवेशन, एक हमारे अंदर जोश, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, चाहे इंडस्ट्री हो या जनरल नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज हो, एक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत बड़ा विषय है, कुछ संक्षिप्त हम लोग यहाँ पे चलेंगे।